जब मैं 10 साल का था तो मैंने 9 o'clock पे एक न्यूज सुनी, पाकिस्तान तारीख के एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। फिर मैं 20 साल का हुआ और मैंने अखबार में यही पढ़ा, पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो क्या करूं, हिम्मत हार दूं? नहीं लगा रहा है। तो बुजुर्गों के वक्त से ये प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऊपर ही क्यों जा रही हैं? कौम को अब जाग जाना चाहिए। ये लॉन्ग मार्चेस अदलिया के टाइम से चलती आ रही हैं, खान साहब के टाइम से चलती आ रही हैं, पीडीएम के टाइम में चल रही हैं, तब मुशर्रफ का टाइम था, तब मार्शल लॉ का डर था, आज दोबारा मार्शल लॉ का डर है, कल डिफॉल्ट था, कल IMF के पास जा रहे थे, आज दोबारा IMF के पास जा रहे हैं। पिछले 50 साल से प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऊपर गई है और आप लोगों ने अपना फायदा नहीं कराया है। बैरिया में सिर्फ 13 लाख का 75 गज ले सकते हैं, 272 गज। जब कराची में परेशानी बढ़ेंगी हर कोई बैरी आएगा, वो आप ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 63 लाख 64 लाख मलिक साहब के घर के सामने ग्रैंड मॉस्वे से। जो आपको अपार्टमेंट चाहिए वो 2 bed lounge आप 40-40 लाख में ले सकते हैं। 20 लाख अभी दें, 20 लाख इंस्टॉलमेंट में दें। तो कौम को अब जाग जाना चाहिए। इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं। बैरिया फ्यूचर का गोल्ड है क्योंकि एक इलीट क्लास सोसाइटी है जो कि आप लोगों का लॉन्ग टर्म फ्यूचर है।